सोशल मीडिया पर इन दिनों अलकायदा के 7 पन्नों की एक चिट्ठी जमकर वायरल हो रही है। इसमें गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या का बदला लेने की बात कही गई है। इस धमकी के बाद जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। चिट्ठी की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस चिट्ठी में आतंकी संगठन ने अतीक अशरफ की हत्या का बदला जेहाद के जरिए लेने की बात की है। इसमें कहा गया है कि जो लोग भी इस वारदात में शामिल थे उनको सबक सिखाया जाएगा। हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों को भी कुर्बानी देनी पड़े तो वह देने के लिए तैयार है। 7 पन्नों की इस चिट्ठी में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लाइव टीवी कैमरे के सामने कनपट्टी पर बंदूक रख कर अतीक और अशरफ का कत्ल किया गया और उनकी हत्या का बदला लिए जाने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि अलकायदा की इस चिट्ठी में व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास का जिक्र किया गया है। साथ ही पीड़ित मुसलमानों की मदद की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि माफिया अतीक अहमद उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। पत्रकार बनकर आए अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी ने अतीक और उसके भाई पर उस समय 18 राउंड फायर किए जब वे मीडिया से बात कर रहे थे।